यस। कैसा लगा आपको जादुई हवा के बारे में शुक्राना करके? बहुत मजा आया, अपना कुछ स्कूटी बहुत ड्राइव कूल कर मॉडर्न रहे लाइफ, बहुत कूल लगा ठंडी ठंडी हवा में जाके। राइट। एक्चुअली सच में एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि हम उस हवा के अंदर सांस कैसे ले लेते हैं, पता नहीं। जब सोचते हैं तो लगता है कि कैसे हो जाता है ये, कैसे हम उसके अंदर सांस ले पाते हैं। वो अंदर जा रही है और हम जिंदा रह पाते हैं। सिर्फ हवा ही तो है जो हमें दिखती भी नहीं है असल में, राइट। हाँ, यस, ओके। सो लेट्स संकल्प स्टार्ट। हाँ आप जी, म्यूट हो गए। हाँ जी, यस, मैंने किया। लेट्स स्टार्ट आवर ग्रैटिट्यूड प्रेयर। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे, अपना सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे लेके जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द हेल्प। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, इस जादू भरी सुबह के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे माता और पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, लाड़ लड़ाए, उन्हें प्रणाम, उन्हें दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, इस स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद। यह शरीर जिनसे मिलकर बना है, उन धरती माँ को, आकाश पिता को, जल अग्नि और वायु को, सचमुच धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बेहद कृतज्ञ हूँ समूचे ब्रह्मांड की, क्योंकि यहाँ पर सुचारू रूप से मेरे और मेरे परिवारजन के लिए जीवन की व्यवस्था की गई है। सचमुच प्रकृति का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हरियाली और पेड़ पौधों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ मेरे स्वास्थ्य के उपहार के लिए, इस स्वास्थ्य के उपहार के लिए जो मुझे जीवित रखता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन है, जिससे मैं अपनी सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर पाती हूँ। इस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सचमुच मैं बेहद कृतज्ञ हूँ अपने सभी साथियों के लिए, जिन्हें कृपा से यह सेशन पूरा हो पाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जस्ट रब योर हैंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जस्ट ब्लेस योर सेल्फ। आई एम अ मास्टर ऑल माइटी, आई एम अ मास्टर ऑल माइटी, आई एम अ मास्टर ऑल माइटी। मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल डे। थैंक यू, थैंक यू। यस, आई एम इनवेंसिबल, आई एम इनवेंसिबल, आई एम इनवेंसिबल। आई एम द लविंग चाइल्ड ऑफ द गॉड, आई एम द लविंग चाइल्ड ऑफ द गॉड। यस, आई एम द लविंग चाइल्ड ऑफ द गॉड। यस, आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर गॉड, थैंक यू सो मच। Today is the wonderful day of my life. Today is the wonderful day of my life. Today is the wonderful day of my life. Yes, my golden period is running. My golden period is running. My golden period is running. Thank you, thank you, thank you so much, all of you. Very good energy. I am really very happy to see all of you. Thank you so much. So let's start. Okay, Apragya ji कुछ कह रही हैं. आप उस वक्त अनम्यूट नहीं कर पाई. आप अब कर लीजिए, कोई बात नहीं, हम अभी सुन लेते हैं आप क्या कहना चाह रही हैं। नहीं, बस वो ब्लेसिंग्स की पूछ रही थी ना जी, वंदना, जी, मैं हाँ उस जी, टाइम पता लगा रही थी तो हाँ, सही सही, आप आप सुना दो। अब बता दीजिए। कोई नहीं, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, अभी हम लोग पहले अफर्मेशन से शुरू करते हैं। सब लोगों ने जो भी अफर्मेशन लिखे हैं उसमें से कुछ भी एक एक सब कर शुरू करते हैं। सो हम सारे उसे रिसाइट करेंगे साथ में, है ना। एक बार आप बोलेंगे फिर हम सब बोलेंगे। लेट्स स्टार्ट।
कौन शुरू कर रहा है सबसे पहले? I am open and receptive. I am open and receptive. I am open and receptive. Thank you, Madhu ji. Ji Vandana ji. I am the born winner. I am the born winner. I am the born winner. I'm the born winner. I'm the born winner. I'm the born winner. Thank you. Thank you, Vandana ji. Ji Anshu ji. I am creative. Thank you. Haan ji. I am self-motivated. Yes, I am self-motivated. Thank you, Swati ji. हाँ जी शिखा, अब बताइए, आप बताइए जल्दी, एक के बाद एक स्टार्ट कर दीजिए, हमारी एनर्जी आनी चाहिए. I am unstoppable. Thank you शिखा. यस चंदा जी, मैंने ही बोला वो. ओके, मुझे लगा शिखा ने बोला. आई एम अनस्टॉपेबल. थैंक यू चंदा जी. आप कौन बता रहे हैं? मैं बताऊंगी. जी जी बिल्कुल, पूछना नहीं है, बस चालू हो जाइए. ओके, आई एम डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट. आई एम डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट. थैंक यू. आई एम कैश रिच. मैं माला माल हूँ, सचमुच. जहाँ खोदती हूँ वहाँ पैसा निकलता है, जहाँ खोदती हूँ वहाँ खजाना निकलता है. I am beautiful inside and out. I am powerful. जी मैंने लिखा है. I am happy and a peaceful soul. देखिए मेरा और विनी जी का काफ़ी मिलता है. I am peaceful, I am loving and I am adorable. ये मैंने लिखा है. I am peaceful, I am loving, I am adorable. थैंक यू विनी जी. और मैंने लिखा है, I am a perfect gratitude buddy. थैंक यू. और हाँ जी शेयर कीजिए. I have healthy cells in my body. Thank you. Wonderful, very nice, superb, मजा आ गया. सबके affirmations बहुत अच्छे हैं. जी वंदना जी. My body and my food are amazing healer. Yes, my body and my food are amazing healer. My body. We can add water also. This water and food are amazing healer. Right. My body, my food, my water is amazing. Amazing healer. Yes. Mamta ji, आपने क्या लिखा है आज? आज तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं. मैम, good morning, मैम. Good morning, जी. मैम, अभी मैं बता रही हूँ, मैम, मेरा dream complete हुआ है. कल मैंने 9 बजे अपना submit करा था. आपने देखा था मैम, मैं बहुत सालों से सोच रही थी कि मुझे मतलब वृंदावन जाना है, लेकिन मेरा कभी पूरा ही नहीं होता था. 9 बजे मैंने करा कंप्लीट, और मैम 10 बजे मेरे पास न्यूज आई, तो न्यूज को बोला चलोगी, तो मैंने कहा चलो. मैम बहुत खुश हूँ, इस टाइम ट्रैवलिंग. क्या बात है, आपका सपना पूरा हुआ. ठाकुर जी को हमारा भी प्रणाम कहिएगा, बाकी बिहारी को. खूब आपकी यात्रा अच्छे से हो और आपका आप खूब एंजॉय करें. मैं बहुत खुश हूँ सच में, क्योंकि मैंने 9 बजे मतलब दिया ग्रुप में और मेरे पास 10 बजे. क्या बात है, चलिए बहुत 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 आपको धन्यवाद, अपने इतनी अच्छी शेयरिंग की, सुबह सुबह हमें बताया तो जरूर. टाइम जा रही पहली बार. अरे वाह, तब तो जमुना स्नान कीजिएगा जरूर से, खूब आनंद से. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच ममता जी. सो लेट्स स्टार्ट द ब्यूटीफुल चैप्टर. हाँ जी, अब हम आज आ चुके हैं डे 24 पे, और डे 24 हमारा काफ़ी ख़ास चैप्टर है, क्योंकि डे 24 में कुछ ख़ास है.
चलिए मैं बताती हूँ आपको डे 24 है क्या। डे 24 में है एक सामान यहाँ रखा हुआ है, बैग, टोपी, एक बेंच लगी हुई है, आसपास हरियाली सी आपको नज़र आ रही है और वहाँ पर एक छड़ी रखी है, जादू की छड़ी। तो आज आप सब लोगों को इस जादू की छड़ी के बारे में ही बताया जाएगा, जादुई छड़ी जिससे आप जादू कर सकते हैं। जी हाँ, आज क्योंकि कल आप लोगों को किमयागार बनने का तरीका बताया गया था ना, किमयागार जो हर चीज़ को सोने में बदल देता है, राइट। वहाँ जहाँ हाथ रखो वहाँ सोना ही सोना बन जाता है। तो जब आप किमयागार बन चुके हैं तो अब आप जादू की छड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जादू की छड़ी असल में है क्या, क्या होती है, कोई मुझे बता सकता है? आप में से कोई भी कुछ भी बता सकते हैं जो आपको दिल में आ रहा है इस पिक्चर को देख के या इस जादू की छड़ी को देख के, आपके दिल में क्या आ रहा है, क्या है जादू की छड़ी? जो चाहिए वो मिलेगा, घुमा देने के बाद जो चाहिए वो मिलेगा। यस यस, बिल्कुल, उनकी भी मदद कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली जादू की छड़ी हम कभी खुद पर नहीं करते, आपने देखा ना मूवीज़ में या मैजिक शोज़ जब भी हमने देखे हैं तो जादू की छड़ी वो कभी ऐसे खुद पे नहीं घुमाता है ना, जादू की छड़ी हमेशा दूसरों पे, वो कैप के अंदर, वो सामान के अंदर, लोगों के ऊपर, या परियों की स्टोरी जो हमने सुनी है तो परियां क्या करती हैं, जादू की छड़ी बालवीर पे घुमा देती हैं, जादू की छड़ी को जितने भी बच्चे हैं उन पे घुमाती है। हमने हर स्टोरी में सुना है कि जादू की छड़ी को किसी और पे घुमाती हैं। तो जादू की छड़ी का असल में जो काम है वो दूसरों के लिए है। हम दूसरों के लिए इस मैजिक वांड का इस्तेमाल करते हैं। मैजिक वांड क्यों आज आपको दिया जा रहा है डे 24 पे आके, क्योंकि रॉन्डा बायन के अकॉर्डिंग डे 23 तक आप सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके आए हैं, राइट। अब आप परफेक्टली एक जादूगर बन चुके हैं, आपको जादू के बारे में काफ़ी कुछ पता हो चुका है, ठीक है। किसी की प्रैक्टिस थोड़ी कम है, किसी की थोड़ी ज़्यादा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप जादू को समझ चुके हैं, आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो जैसे ही हमारा क्या नेचर होता है ना कि जब हम खुद कुछ अच्छी चीज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे लविंग वन को बताते हैं, यार उस शॉप पे जाना, अमेजिंग साड़ियाँ हैं वहाँ पर, बहुत अच्छी और सेल भी लगी हुई है, जल्दी से लेके आ जाना। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन होता है जैसे हम शॉपिंग करके हैं। हम अपनी बाद में देखेंगे, दूसरों को ये राय पहले देते हैं, है ना। सिमिलरली अगर किसी का बच्चा बीमार है तो हम यही कहेंगे उस डॉक्टर के लेके जाना, परफेक्ट एकदम सही ट्रीटमेंट देते हैं, बिल्कुल इधर उधर की दवाइयाँ नहीं देते। इस तरह से हर चीज़ में हमारा ये नेचर होता है कि जब भी हम अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं, अपने लिए जो भी अच्छा हमारी ज़िंदगी में होने लगता है या हमें कुछ भी अच्छा मिलता है, हम उसे तुरंत अपने लविंग वंस को देने की कोशिश करते हैं, अपनों में बांटने की कोशिश करते हैं, अपनों को देने। तो जब हम ये जादू को समझने लगते हैं तो हमारे दिल में ये होता है कि यार मैं तो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हूँ, है ना। हमारा मन ऐसा आता है ना, इसे भी जादू की ज़रूरत है, मेरी दोस्त है, हमेशा परेशान रहती है, इसे भी कुछ इसके बारे में बताया जाए, या मेरे सपने पूरे हुए हैं तो उसके भी सपने पूरे हो। जैसे ममता जी आज इतने अच्छे ट्रैवलिंग कर रही हैं तो अब वो चाहें कि हम सब भी ट्रैवल करें तो वो भी हम सब पे जादू की छड़ी घुमा सकती है, तो हम सब भी मथुरा वृंदावन पहुँच सकते हैं। तो ये जो भी जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहा है वो दूसरों के प्रति भी अच्छा करता है, तो वो हमेशा ये कोशिश करता है कि दूसरों को भी उसकी ये चीज़ पहुँचे। इसी दिली इच्छा के साथ ये जादुई छड़ी आज आपको मिलेगी। तो बढ़ते हैं, इसको यूज़ कैसे करना है। हाँ ममता जी म्यूट कर लीजिए। हाँ जी थैंक यू। चलिए वंदना जी शुरू करते हैं। मैं रीड करूँ आज? हाँ गीत बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू थैंक यू। 24वां दिन, जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहरा कर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? देखिए आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जी, जीवन की असली जादुई छड़ी। अब ये लाइफ की जादुई छड़ी की बात हो रही है। अभी तक जो हमने जादुई छड़ी देखी है वो सारी जादुई छड़ी क्या होती हैं, एक आँखों को कह सकते हैं कि धोखा देने वाली, है ना, जिनसे हम पता नहीं कर सकते कि सच में हो पा रहा है या नहीं। एक हाथ की सफाई या एक क्रिएटिव आर्ट इनका यूज़ होता है उसमें। परियों का ज़माना हमने देखा है लेकिन उसको हमने महसूस नहीं किया, लेकिन ये जो जादुई छड़ी है ये असल में महसूस की जा सकती है।
जिसे जिंदगी की असली जादुई छड़ी कहा जा सकता है, क्योंकि ये आपके सामने नजर आएगी, आपको दिखाई देगा कि वो काम करती है, राइट। तो ये क्या होता है कि ये एक जादुई छड़ी जिसे आप लहराकर अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें। आपको अपनों की मदद करनी है, अपनों के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। यस, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जिनकी आप परवाह करते हैं आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं। हमें हर पल लगता है कि काश मेरी बेटी का एक एडमिशन यहाँ हो जाए, काश मेरी बेटी की ये चीज़ ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए या वो इंटेलिजेंट हो जाए, काश मैथ्स उसे समझ में आने लग जाए, काश उसका सारा काम अच्छे से हो जाए, काश वो क्लास में एक बेस्ट गर्ल का उसे प्राइज मिले, काश वो हाउस की CR बन जाए। कई सारी चीज़ें हमारे मन में होती हैं। तो ये क्या होती है, हमारी अपनों के प्रति चिंता हर पल हर वक्त। स्पेशली जब हम ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं तो हमारी चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है, पता है। पहले तो हम कर ही रहे होते हैं लेकिन अब हमें लगता है कि हम ये जो कर रहे हैं वो दूसरा भी करने लगे। हर पल हमारी ये इच्छा होती है कि जो मैं सीख रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, तो मैं फोर्सफुली अपने बच्चों को करवाऊँ, अपने हस्बैंड को, या हस्बैंड अपनी वाइफ को बताए। ये हमारे अंदर चलने लगता है, अपने पेरेंट्स को बताएं कि जो मैं कर रही हूँ वो ये लोग भी करें। लेकिन ऐसा हर वक्त हो वो ज़रूरी नहीं। तो उस वक्त में आप क्या कर सकते हैं, आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखा सकते हैं, क्योंकि क्या होती है, आपकी जो इंटरनल फीलिंग है वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, उनकी मदद करने की फीलिंग, उनका सपना पूरा करने की फीलिंग। तो जो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आप उसके अंदर अगर ग्रैटिट्यूड को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि देखिए फीलिंग तो आपके अंदर आ ही रही है ना। हम लोग हमेशा ग्रैटिट्यूड को कैसे यूज़ करते हैं कि ग्रैटिट्यूड और फिर उसके अंदर फीलिंग्स को पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, अब जा करके हमें फीलिंग्स आने लगी हैं। तो जब हमारे अंदर ऑलरेडी फीलिंग्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड की राह दिखानी है तो हमारे पास सचमुच ये जादू की छड़ी की तरह काम करेगा। और जैसे हम दूसरों की परवाह करते हैं, अगर हम उस पर ये फीलिंग और ग्रैटिट्यूड का मिक्सिंग यूज़ करेंगे तो वो 101% काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ भी आपका ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती। जी हाँ, देखिए हमने पहले से ही पढ़ लिया है, जहाँ आपका फोकस जाएगा एनर्जी का फ्लो वहीं होने लगेगा। इसलिए जब भी आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को, जो भी एनर्जी आपके अंदर से निकल रही है वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, और उसको आप दूसरे व्यक्ति की जो उसकी पॉसिबल नेसेसिटी है कि वो क्या चाहता है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी और अगर आप फ्लो कर देते हैं उस ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को, तो डेफिनेटली वो उसकी साइड फ्लो होगी। आप अपना फोकस उसकी ओर लेके जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, किसी भी इंसान को देखते से हमें क्या लगता है उसके बारे में। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं तो हमें लगता है ना कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए या वो अब बहुत खुशी से अपना एंजॉय करे, तो ये फीलिंग आपके अंदर फोकस उनके ऊपर चला गया, फीलिंग आपके अंदर ऑलरेडी है। तो जहाँ फोकस जाएगा वहाँ एनर्जी का फ्लो होगा, तो फोकस भी जा रहा है, एनर्जी का फ्लो होने लगा, फीलिंग्स आपके अंदर ऑलरेडी, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड को यूज़ करना है। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड को उनकी जो भी आवश्यकता है उसकी और डायरेक्ट करते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं ग्रैटिट्यूड को, तो आपका काम होने लगता है, आपकी एनर्जी उसी साइड फ्लो होने लगती है। इसीलिए हर चमत्कार से पहले, देखिए पहले आपको करना है, यहाँ वर्ड बताया ना, पहले ईसा मसीह ने, जीसस ने भी ग्रैटिट्यूड दिया था। तो यही वो अदृश्य लेकिन वास्तविक, दिखाई नहीं देती, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन चमत्कार करती है ना। हमें सांस लेने में कैसे, मतलब सोच भी नहीं सकते आप, ऐसे ले रहे हो आप, झंडा हो, सिर्फ एक हवा ही तो अंदर जा रही है,
उसी तरह से ग्रैटिट्यूड जो है वो सचमुच सचमुच इनविजिबल है, दिखता नहीं है, लेकिन जैसे वो आपकी एनर्जी के साथ जुड़ जाता है तो वो एक जादुई छड़ी जैसा बन जाता है। जादुई छड़ी जैसा बन जाता है का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो हम बचपन से आज तक देखते आ रहे हैं, एक स्टिक जिसके ऊपर ऐसे स्टार स्टार सा बनाए या फ्लावर बनाए और इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते से छू करते से ही जादू की लाइट निकलती ऐसे टिम 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 टिम, और जो हम चाहते हैं वो सामने वाले के पास हो जाता है। एक इंसान घोड़ा बन जाता है, घोड़ा पता नहीं कुछ और बन जाता है, और वो सब कुछ इस तरह से फूल खिल जाता है, अलग से कोई सोने का फूल निकल के आ जाता है, इस तरह से मैजिक दिखाई देता है। तो वही वास्तविक शक्ति हम भी कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। यस, थॉमस लियोनार्ड 1955 से 2003 व्यक्तिगत विकास कोच। यस, यहाँ पे देखिए जो ये थॉमस लियोनार्ड है व्यक्तिगत विकास कोच है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो वो एक कोच है। वो ये बात कह रहे हैं कि जो भी लोग, जो भी इंसान जादू की छड़ी का इंतज़ार करता है, तो हम तो क्या बचपन से इंतज़ार कर रहे हैं जादू की छड़ी का? हर वक्त हमें लगता है कि हमें जादू की छड़ी मिल जाए, काश हमारे पास भी एक जादू की छड़ी होती, काश जब भी आज भी अगर कोई ये परियों वाला सीरियल देखते तो हमें लगता है ना यार एक ऐसी पावर हमारे पास भी आ जाए और हम ऐसे जादू की छड़ी को घुमाएं और सामने सिंड्रेला वाला कार्ट हमारे पास बन के आ जाए। तो वही वही चीज़ है कि जो लोग इसका इंतज़ार करते हैं ना वे ये नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि हम खुद जादू की छड़ी हैं, हम छू मंतर कर सकते हैं हर परी की तरह, सिंड्रेला का कार्ट हम भी बना सकते हैं, जो हम चाहते हैं अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर अपने सपनों को पूरा करने की बात कही गई है कि जैसे ही आप जादू की छड़ी खुद को मानते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप खुद को जादू की छड़ी मानते हैं तो आप यही करेंगे कि आप दूसरों के ऊपर जादू की छड़ी को घुमाएंगे और वह काम करने लगेगी। जी गीत पढ़िए। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने काम काज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बता दिया गया है, रीज़न बता दिए हैं। आप अपने फ्रेंड के लिए किसी चीज़ के लिए परेशान हैं, उसका एडमिशन नहीं हुआ, आपका एडमिशन हो गया, या आपका कलीग जिसे आप कुछ का कुछ होता जा रहा है ना, मैं कुछ बनाती जा रही हूँ पता नहीं, चलिए आज कुछ क्रिएटिव राइटिंग हो गया। तो जो भी आपकी परेशानियां हैं कि यार उस दोस्त का तो जॉब नहीं लगा, मेरा जॉब लग गया, तो आप उसके लिए परेशान है कि उसे भी अच्छी जॉब मिल जाए, या आपका कोई फ्रेंड अपने पेरेंट्स को लेके बहुत परेशान है तो आप उसके लिए भी इस अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, आपके हस्बैंड के लिए, आप अपनी वाइफ के लिए, वट एवर यू वॉन्ट, दूसरों से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, देखिए सही एक्सपेक्टेशन पर ध्यान दीजिएगा, वही एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो सकती है जादू की छड़ी से। आगे पढ़ते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप सचमुच ये खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको ये खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितना कि हो सकती है।
यहाँ आपको असाइनमेंट बताया गया है थोड़ा सा, बाकी और आगे क्लियर किया जाएगा कि जो भी जब भी आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को यदि किसी यदि आपके यदि किसी दूसरे व्यक्ति को अब अस्वास्थ्य के खाते जादुई छड़ी लहराने की कल्पना करें, तो यहाँ आपको ये रीज़न बताया गया है कि करना क्या है। अगर किसी दूसरों के स्वास्थ्य के खातिर आपको ऐसा करना है तो आपको क्या सोचना है कि आपकी जादू की छड़ी लगाने से उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए, उसका स्वास्थ्य लौटे उससे पहले आपको शुक्राना करना है। जिस आदर्श अवस्था में आप उसे पाना चाहते हैं, वट एवर आइडियल स्टेट यू वांट, आपको उसी तरह से उसको अज्यूम करना है, आपको फील करना है, विजुअलाइज करना है। ये सारे प्रोसेसेस आपको पहले से बता दिए गए हैं। तो जैसे ही आप किसी दूसरे के स्वास्थ्य के खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने की कल्पना करते हैं तो आपको ये सोचना है कि उसका ये चीज़ ठीक हो चुका है। मान लीजिए किसी का हेडेक हो रहा है तो आपको ये ठीक सोचना है, अज्यूम करना है कि वो आपको खबर दे रहा है। खबर क्या दे रहा है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, नाउ ही इज़ एंजॉइंग द पार्टी, ही इज़ गोइंग ऑन द वर्क, ही इज़ गोइंग टू द ऑफिस, या ही इज़ गोइंग टू द स्कूल, ही इज़ गोइंग टू द कॉलेज, वट एवर जो भी है। तो आपको ये फ़ोन करके खबर सुना रहा है बहुत ही खुश होके। तो ये है कि सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को आपको क्या करना है, आपको ये खबर को सुनना है। आमने सामने आपको यह खबर दे रहा है या फ़ोन पर दे रहा है, और आप उसके रिएक्शन को देखने, आपकी प्रतिक्रिया को देखनी और महसूस करना है। सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस करते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते। देखिए, इस लाइन पे ही इंपॉर्टेंट है, सारा असाइनमेंट यहीं डिपेंड करता है। यहाँ स्वास्थ्य के लिए बात की गई है। आप जो भी जिस भी चीज़ के लिए जादुई छड़ी को घुमा रहे हैं, मैजिक वैंड को घुमा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको उस आइडियल स्टेट को होते देख लेना है या खबर सुननी है उसकी एक्चुअली। तो जब आप खबर सुन रहे हैं तब आपको क्या, ग्रैटिट्यूड, यस वाह वंडरफुल, सचमुच वो ठीक हो गई, कितना शुक्राना है, वाह रब तेरा तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये फीलिंग आपकी अंदर से आनी चाहिए। जैसे ही ये ग्रैटिट्यूड आपका अंदर से निकलता है, सचमुच ये अच्छा निकलता है, जो जो आप वाकई उसके होने के बाद होते, एडमिशन हो गया, वंडरफुल, ग्रेट न्यूज़, ये चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। तो जैसे ही आपके अंदर आती है तो ग्रांडा बैन कह रही कि यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है। सच्ची है यानी कि आप उसकी मदद करने का ड्रामा नहीं कर रहे हो। यस यू रियली वॉन्ट इट, बिकॉज जब आप दिल से चाहते हो ना तो आपके अंदर से ग्रैटिट्यूड भी उतना ही दिल से निकलेगा, और उतनी पावरफुल भी है, इसीलिए वो तुरंत असर भी कर रही है जितनी की हो सकती है, राइट? सो आगे पढ़ते हैं। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी आप अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें, उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, ये हो चुका है, और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको पहला एग्जाम्पल स्वास्थ्य के लिए दिया गया, दूसरी चीज़ दी गई धन दौलत के लिए, कि अगर आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो उसकी फाइनेंशियली हेल्प आप कैसे करेंगे। वहाँ पे भी, क्योंकि ये मेजर सेक्टर्स हैं, बहुत सारे हमारे लाइफ में एस्पेक्ट होते हैं जिनमें हम मैजिक वंड का यूज़ करना चाहते हैं, बट यहाँ पर प्रॉपर जो मेजर सेक्टर्स हो सकते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ हेल्थ, उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं। सेकेंड है दौलत, पैसा, फाइनेंस, फाइनेंस के लिए आप कैसे कर सकते हैं। तो आप जादू की छड़ी उसके ऊपर लगाएं, अभ्यास करें उसका, उसका उसके ऊपर घुमाएं और ये फील करें कि वो आपके पास, उसको काफ़ी सारी दौलत मिल चुकी है, और उसका सारा सारा जैसा भी उसका बंगला था या जैसी उसकी कार थी, उसे फिर से मिल गई, उसे सब कुछ वापस वैसा ही मिल चुका है। वो बेहद खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके घर का गार्डन में घूमते हुए फ़ोन करके मुझे बता रहा है कि वाकई यार मुझे सब कुछ मिल गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे सब कुछ मिल चुका। और आप उतने ही खुश होकर के देख रहे हैं, अरे वाह मज़ा आ गया, उसे सब कुछ वापस मिल गया, वो कितना खुश नज़र आ रहा है मेरा दोस्त, वाकई थैंक यू डियर यूनिवर्स, वो फिर से उसकी खुशी के दिन आ गए, थैंक यू सो मच। तो ये सब क्या है, ये आपकी फीलिंग है, आपने विजुअलाइज़ की, अंदर से निकाली, दिल से किया, ग्रैटिट्यूड फील किया। जैसे ही हम पहले से ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वो हर चीज़ ज़रूर पूरी होती है, ये हम जानते हैं। आगे पढ़ते हैं।
यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इस जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। जी, यहाँ पे आपको पता चल गया कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है बट ही डज नॉट वॉन्ट टू शेयर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रॉब्लम नहीं जानते पर हमें पता है कोई ना कोई मुश्किल समय से वो गुजर रहा है। आपके घर के लोग भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, वो बताएंगे नहीं प्रॉब्लम क्या है क्योंकि हर एक को हम हर चीज़ को हर एक के बारे में जान लें या हर एक के बारे में हमें हर प्रॉब्लम पता हो, उसका चैलेंज क्या है, उसकी उसके ब्रेकडाउंस क्या है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको उसने इतना भी बता दिया या आपको किसी और तरह से पता चल गया या किसी और ने आपको बताया कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाई बट ही इज़ नॉट बिहेविंग वेल। मेरी आवाज इको होके क्यों आ रही है? शायद ये इको, हाँ पता नहीं, थोड़ा बहुत बीच में आ रहा है जबकि कोई भी ना किसी का भी है। कोई भी अनम्यूट तो नहीं है आवाज। अच्छा चलिए ठीक है। तो वो हम जब भी चाहते हैं कि ये अब उसकी उसकी ज़रूरत क्या है हमें पता ही नहीं कि वो चाहता क्या है, वो उसकी उसकी प्रॉब्लम क्या है या वो किस किस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता है, हमें ये भी नहीं पता कि उसका स्टेप क्या है। वहाँ भी हम जादू की छड़ी को लहराकर उसके लिए तीनों चीज़, देखिए इंसान की ये मेन तीन ज़रूरतें होती हैं, सेहत, दौलत और खुशी, जिसमें सब कुछ आ गया। तो उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर दीजिए, आपको नहीं पता बट आप उसकी हैप्पीनेस के लिए प्रे कर दीजिए। हैप्पीनेस के लिए जैसे आप मैजिक वैंड घुमाते हैं जो भी उसका एस्पेक्ट है, क्योंकि आपको नहीं पता रीज़न क्या है लेकिन प्रकृति को, यूनिवर्स को पता है कि रीज़न क्या है। तो आपको ये जानने में कतई दिलचस्पी भी नहीं होनी चाहिए कि उसका रीज़न क्या है, वो डाउन क्यों चल रहा है इन दिनों, क्या रीज़न है, उसने एकदम से बात करना बंद क्यों कर दिया या कम क्यों कर दिया या वो हर वक्त परेशान क्यों रहता है या उसका मूड क्यों ख़राब है। ऐसा कोई भी रीज़न आपको सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। जस्ट यूज़ योर टूल, दैट इज़ मैजिक वॉन्ड। आगे आपको असाइनमेंट बताया जा रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा, असाइनमेंट बहुत अच्छा है और ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है, तो इसे आप समझ लीजिए। आज ही तीन लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो ले और ये अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पढ़ लीजिए, असाइनमेंट पूरा पढ़ लीजिए। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और एक मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या बताया है, आपको तीन लोगों को चुनना है जिन पे आप मैजिक वॉन्ड का यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए डे 24 पे आकर के रोंडा बायन दूसरों की बात कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप उस फला व्यक्ति के लिए इस तरह से जादू का इस्तेमाल करें, ये करें, वो करें। हर चीज़ आपको खुद के लिए कही गई थी, हर चीज़ आपको अपने लिए करनी थी। रिलेशन की बात की गई तो वो आपका रिलेशन उनसे अच्छा हो, इसकी बात कही गई थी। तो इसी तरह से आज उन्होंने पहली बार ये कहा है कि जिनकी आप परवाह करते हैं, है ना, हम क्या करते हैं डे वन से बेटे बेटी का शुरू कर देते हैं, माता पिता का शुरू कर देते हैं, पति या पत्नी का शुरू कर देते हैं। तो हमें डे वन से ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपने किया है तो भी कोई बात नहीं, अभी भी अपने सपनों पे पहले फोकस दीजिएगा, उसके बाद सेकंड वाले यूज़ में मैजिक वॉन्ड की जगह पे आप दूसरों के सपने, जिसमें आपके अपने हो सकते हैं, उनके सपनों को चुनिएगा। तो आज आप जिन लोगों की परवाह करते हैं उन तीन लोगों के फोटोग्राफ्स आपको चुनने हैं जो जिनको
किसी चीज़ की ज़रूरत है। देखिए, हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपके पति और बच्चे को अभी कुछ चाहिए ही, हो सकता है आपके बच्चे छोटे हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं है, आपका प्यार ही उनके लिए सारी ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको उनका फ़ोटो लेने की अभी का भी ज़रूरत नहीं है। असल में ऐसे लोगों को चुने जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, जिन्हें मैजिक वांड की ज़रूरत है, तभी आपको आपकी प्रैक्टिस का कंप्लीट रिजल्ट दिखाई देगा, है ना। तो जिन्हें भी वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ज़रूरत हो, उनमें से तीन लोगों को आप चुन लीजिए। वो आपके दोस्त हो सकता है, आपका कॉलीग हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पेरेंट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। फिर उसके आपको फ़ोटो चाहिएगी, ध्यान रखिएगा फ़ोटो चाहिएगी। लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्या फ़ोटो मोबाइल पर रखें, नहीं, बेस्ट है आप फ़ोटो को अपने हाथ में रखें, अपने सामने रखें, फील कर सकें कहीं पे भी, या तो फिर मोबाइल को फिर एयरप्लेन मोड पे चलाएं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है उसके अंदर कोई ना कोई नोटिफिकेशन क्लिक होगा ही होगा, और जब नोटिफिकेशन क्लिक होगा तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा। हो सकता है कोई ऐसा नोटिफिकेशन आए जबको आपको लगे कि नहीं पहले इसको जवाब दे दूँ। हमारी ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना, हम पहले उसकी साइड अट्रैक्ट होते हैं जो एक्शन किया जा रहा है। तो प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, मोबाइल को यूज़ ना करें, बेस्ट तो यही होगा। फिर भी अगर मोबाइल को यूज़ करना पड़ता है, आपको कोई ऐसा इंसान है जो अब बहुत दूर रहता है, आपके पास उसकी फ़ोटो नहीं है, तो आप उसे मोबाइल पर यूज़ करें, तो एयरप्लेन मोड पर मोबाइल को डाल दें। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक अपना एक ग्रुप होता है, आप अपने आप को ग्रुप में बना दीजिए, व्हाट्सएप पे अपना एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें खुद को ऐड कीजिए और एक साथ में किसी और को ऐड कीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए, वो ग्रुप आपका अपना रहेगा। उसके अंदर आप उन तीन लोगों की फ़ोटो डाल सकते हैं, तीनों लोगों की फ़ोटो एक साथ हो गई, ताकि आपको बार बार गैलरी में से जा करके और ऊपर नीचे करके फ़ोटोज़ ना निकालनी पड़े। उन तीनों फ़ोटो को एक साथ हो गया, अब वन बाय वन आपको करना है। तो पहले व्यक्ति को लेना है, हाथ में फ़ोटो रखें, अपनी आँखों को बंद कर लें, जिस भी चीज़ की उसे ज़रूरत थी, अगर आपको उसका चैलेंज पता है तो आपको उसको उस चैलेंज के साथ फील करना है कि वो निकल चुका है, नाउ ही इज़ फीलिंग हैप्पी। कल्पना करनी है, बहुत अच्छे से कल्पना करनी है, विजुअलाइज़ करना है, क्योंकि अब आप विजुअलाइज़ करने में काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। ध्यान रहे खबर प्राप्त करने की कल्पना करना। एक्चुअली क्या होता है कि अगर वो आपको फ़ोन करके बता रहा है तो वो ड्रामा करना, उस ड्रामे को फील करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बगैर बजाय ये देखने के कि अगर एक इंसान बेड पे लेटा है या वो वॉकर से चल रहा है, उसे आप एकदम से वैसा चलते हुए देख लें। अगर वो हम सॉरी अगर वो हमारे अपने हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर किसी इंसान को नहीं दिखाई दे रहा है अभी, कोई रीज़न से उसको स्पेक्स लगे हैं, आप उसको बगैर स्पेक्स के देखना चाहते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा उसे ही देख पाना। किसी इंसान, किसी भी आपके अपने के लिए, अगर उसको स्किन का डिजीज़ है, तो एकदम से आप उसको विदाउट उस चीज़ के देखना मुश्किल होगा। लेकिन आप उनको इस खबर को बताते हुए ज़रूर सुन सकते हैं ना, आप ये महसूस कर सकते हैं कि वो आपको फ़ोन कर रहे हैं। इसीलिए इस चीज़ पे एम्फेसिस दिया गया है, ध्यान रहे, यहाँ लिखा है ध्यान रहे, क्योंकि ये अपनों की बात की जा रही है। और जब भी देखिए कोई अपना मुसीबत में होता है ना, तो हम सबसे पहले डाउन हो जाते हैं, हमारी सारी ग्रैटिट्यूड साइड में हो जाती है, हमारी चैलेंज को फील करने की ताकत ही ख़त्म हो जाती है। हम किसी अपने को मुसीबत में नहीं देख पाते, और जब अगर वो अपने एकदम अटैच होते हैं, बहुत दिल से जुड़े होते हैं, तो बहुत ही मुश्किल होता है उनको पॉजिटिवली उसी फॉर्म में वापस देख पाना। वो कुछ भी हो सकता है, आप ये जब चैलेंज आता है तो सबके साथ होता है, मुझे भी ऐसा फील होता है। तो ये बहुत ही मुश्किल होता है कि दोबारा उसको अमीर बनते देखना, दोबारा उसको बिल्कुल ठीक देखना, दोबारा उसे फिर से ऑफिस जाते हुए देखना, ये विजुअलाइज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऐसा रॉन्डा बायन कह रही है। लेकिन अगर आपकी विजुअलाइजेशन की पावर स्ट्रांग है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं तो आप ये महसूस करें कि वो आपको फ़ोन करके वो खबर दे रही हैं, या सामने आके वो खबर बता रहा है कि वो आपसे बातचीत कर रहा है, चाय पे आया है, मीटिंग हो रही है, वट एवर, कुछ भी आप इमेजिन कीजिए, किसी भी तरह का सीन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आप लोग रोज़ मंदिर में मिलते हैं, मान लीजिए आप लोग रोज़ ऑफिस में मिलते हैं, तो ऑफिस के कैंटीन को आप यूज़ कर लीजिए। आप अगर कहीं और गार्डन में वॉक करते हुए मिलते हैं, तो उस गार्डन की वॉक वाली जगह को महसूस कीजिए, उस बेंच को महसूस कर लीजिए जहाँ आप लोग बैठ के बात करते हैं। कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी लाइफ में इजी दिखाई दे रहा है, उस जगह की इमेजिनेशन को आपको अपने विजुलाइजेशन में लाना है। और अगर उस तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो बहुत ही अच्छा है। खुद को शामिल करेंगे तो क्या होगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगा, ईजी होगा आपके लिए विजुलाइज करना, ईजी होगा आपके लिए सेंटेंसेस को जोड़ना, फीलिंग्स को लाना,
बहुत इजी हो जाता है जब हम खुद को जोड़ लेते हैं. जैसे हमारे खुद के ऊपर आती है, हम चार लाइन बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी और को फ़ोन करके बताए तो आप शायद लिमिटेड सेंटेंस ही इमेजिन कर पाएंगे कि आपका फ्रेंड है और वो किसी और को या उसके पेरेंट को फ़ोन करके बता रहा है, तो आप उस कॉन्वर्सेशन को ईजी नहीं कर पाएंगे. इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उस तस्वीर में खुद को शामिल कर लें ताकि आप अधिक रोमांच और ग्रैटिट्यूड को फील कर सकें. तो यहाँ पर इमेंस पावर जो है आपकी, वो यूज़ करनी है. आपकी इमेंस पावर किस लिए यूज़ करनी है? आपको अपनी इमेंस पावर को निकालना है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए. एंड इट्स अमेजिंग, ये 101% वर्क करता है. आप जब चाहें, किसी पे भी चाहें, यूज़ करके देखिएगा. आगे पढ़ते हैं. आंखें खोले और फोटो हाथ में लेकर तीन बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें. उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिसे जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, उसका नाम लेकर के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. जब एक व्यक्ति के मामले में आप ये अभ्यास कर ले तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और इन्हीं दो कदमों का अनुसरण करें, जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर ले. आप ये शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो. कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और ये जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है. जी, गीत एक मिनट यहाँ रुकते हैं. पहला आपको बताया असाइनमेंट, आपको तीन लोगों की फोटो लेनी है, एक एक करके तीनों को बात करनी है. फोटो हाथ में लिया आपने, आँख को खोलना है, तीन बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहना है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, दौलत के लिए या खुशी के लिए, जिस भी चीज़ की उसकी आवश्यकता हो उसके लिए. क्या करना है? पहला आपने फ़ोटो उठाया, यहाँ लिया, विजुलाइज़ करना चालू किया. मान लीजिए आपने विजुलाइज़ करना चालू किया है कि आपके, जैसे ममता जी को अगर मथुरा जाना था तो आप उनके लिए, आपको ने सुना उनको जाना, उनका सपना है, तो आप कैसे बोलेंगी, कैसे सोचेंगे कि यस शी हैज़ गॉट द टिकट्स, उनके पास टिकट्स आ चुके हैं और वो यात्रा कर रही हैं, ट्रेन में बैठ चुकी हैं, बेहतरीन यात्रा. और अब वो फ़ोन करके सबको बता रही है, पूरे ग्रुप में, मैजिक सेशन में शेयर कर रही हैं कि वाओ वंडरफुल, मुझे वहाँ जाना मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ. इस तरह से वो सबको अपनी अपनी फीलिंग बता रही हैं, आपको भी बता रही हैं कि हाँ यार मेरा सपना पूरा हो गया, मैंने तो सिर्फ सोचा ही था, मुझे जाना है और मुझे जाने को मिल गया, अब मुझे बहुत मज़ा आने वाला है. और आप वहाँ देख रही हैं, देख पा रही हैं कि वो दर्शन भी कर रही हैं, मंदिर में जा रही हैं, यमुना स्नान कर रही हैं, सब कुछ आपने देखा, मज़ेदार मज़ेदार, वाकई वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, उसे वो खुशी मिल पाई, सच में दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अब आप अपनी आँखें को खोलेंगे, जो भी विजुअलाइजेशन था आपने वो कर लिया, अब आप अपनी आँखों को खोलेंगे, उस फोटो को हाथ में लेंगे, नाम लेकर कहेंगे. क्या नाम लेके कहेंगे? थैंक यू ममता, ममता को ये खुशी मिलने के लिए, उसका सपना पूरा होने के लिए, ममता को मथुरा की यात्रा का इतना सुंदर सुअवसर देने के लिए, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. यहाँ रखा आपने फ़ोटो, दूसरा फ़ोटो उठाया, दूसरे फ़ोटो के लिए फिर से चालू हो गए. कुछ भी विजुअलाइजेशन ले सकते हैं आप, जैसे कि जैसे किसी की, जैसे नौकरी के लिए है तो किसी को नौकरी चाहिए, आपके किसी दोस्त को है, स्वीटी को नौकरी की ज़रूरत है, तो आप देखेंगे कि वाह वो आपको फ़ोन करके बता रही है, यार जिस पे मैंने अप्लाई किया था ना, सच में मुझे वो जॉब मिल गई, और आप और वो दोनों खुश हैं, मज़ा आ गया यार, अब तो पार्टी कब दे रही है मुझे, तूने ही तो सोचा था ना इतनी, अब तुझे जॉब की ज़रूरत थी और तूने इसमें अप्लाई किया और तुझे मिल गया, तुझे तो यकीन ही नहीं था कि तुझे मिल जाएगा, पर मैंने कहा था ना तुझे, तुझे जॉब ज़रूर मिलेगी, तो सच में तुझे मिल गई. आपने विजुलाइज किया, आपको खुशी हुई, यहाँ ग्रेटिट्यूड फील हुआ, एनर्जी का फ्लो हुआ. आपको खोलना है, 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स तो मिनिमम है, कम से कम एक मिनट आपको ये करना ही है, अभी मैं कम कर रही हूँ. फोटो को उठाया, थैंक स्वीटी, स्वीटी को इतनी अच्छी जॉब मिलने के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सचमुच इस जॉब की उसे ज़रूरत थी और ये जॉब उसे मिल गई, कितना अच्छा है, शुक्रिया शुक्रिया. फिर से इस फोटो को रखा, तीसरे फोटो को उठाना है, तीसरे फोटो की ओर बढ़ना है, उसी क्रम में उन्हीं चीज़ों को फिर से रिपीट करना है. मान लीजिए आपके थर्ड को
हेल्थ की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए फील करेंगे सचमुच उसको वाकई यार अब तो, अरे मैंने तो तुम्हें कहा था हाँ तुम वाकई इस फंक्शन में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी, कल रात को मैंने देखा था तुम्हारे चेहरे से सारे पिंपल्स चले गए थे, हाँ सच में मैंने कहा था ना वो वाली ट्यूब बहुत अच्छे से काम करेगी, तुमने लगाई थी, अच्छा नहीं लगाई फिर भी ठीक हो गया, क्या बात है, तुम तो 2 दिन पहले कह रही थी तुम फंक्शन में आओगी नहीं, चेहरे पे इतने पिंपल्स हो रहे हैं तुम्हें नहीं देखना था, हाँ अच्छा अब ठीक हो गए थे, सच में तुम कमाल लग रही थी, बहुत ग्लो कर रहा था तेरा चेहरा और ड्रेस तो कमाल की लग रही थी, सच मुझ घर में सब खुश होंगे ना तेरे इस चेहरे को देख करके, वाकई मज़ा आ गया, थैंक यू यार थैंक यू मज़ा आ गया, चल 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 फिर कल मिलते हैं, फिर से आंखें आपने खोली, फ़ोटो को हाथ में लिया और आपने नाम लिया उसको, जो भी नाम है मान लीजिए विनी, विनी को इतनी खूबसूरत स्किन देने के लिए, इतना सुंदर चेहरा देने के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए आपकी वजह से किसी को खुशी मिली है, किसी का सपना पूरा हुआ है, किसी की जो दिल चाही इच्छा थी वो पूरी हुई है, उसको उसका मन चाहा मिला है, तो जब आपकी वजह से आप, हालांकि आप सिर्फ मीडियम हैं बट आपने किया था, आपने दिले इच्छा की थी उसकी वो चीज़ को पूरा होने के लिए, तो आपको अंदर से क्या होता है, एक खुशी, एक आत्मसंतुष्टि, एक सबसे अच्छी फीलिंग जो होती है वो यही होती है कि जब आप किसी के लिए कुछ चाहें और उसका वो पूरा हो जाए, तो ये अभ्यास आपको करना है, तीनों के लिए आपने जादू की छड़ी भेज दी, तीनों के लिए अभ्यास पूरा हो गया, आप ये शक्तिशाली अभ्यास कभी भी देखिए, हर जगह लिखा है शक्तिशाली अभ्यास, इट्स वेरी पावरफुल, आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसको देख के आपको लग रहा है कि हाँ उसे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो सकता है, वो आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो उसके लिए हो सकता है, कोई आपसे कुछ सामान मांग रहा है तो उसके लिए खुशी के लिए आप जादू की छड़ी को घुमा सकते हैं, कोई इंसान चल नहीं सकता तो आप उसके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जादू की छड़ी को घुमा सकते हैं, आपका काम है घुमाना, है ना, आपका काम है घुमाना और उस स्पष्ट तस्वीर को विजुअलाइज़ करना, कल्पना करना, धन्यवाद देना, ग्रैटिट्यूड करना, उस व्यक्ति को ये किस रूप में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसको इस जन्म में तो ये होना ही नहीं है, वो कैसे अमीर बनेगा, उसके पैर कैसे आएंगे, ये सारा काम आपका नहीं है, है ना, तो आपको ये सब के लिए रिजल्ट को नहीं सोचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जादुई शक्ति को, जादुई छड़ी को लहरा देना है, अपने आप देखिए अलग अलग फॉर्म में यूनिवर्स देता है ना, उसे उन चीज़ों के साथ खुश रहने की ताकत मिलनी चाहिए, वो मिलेगी, और वो कैसे भी मिल सकती है, हो सकता है उसको कोई ऑपरेट करवाने को मिल जाए, हो सकता है उसको कोई साइकिल देने को मिल जाए, हो सकता है उसकी कोई लॉटरी लग जाए, उसके पास खूब सारा पैसा हो जाए, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपको सिर्फ उस जादू की छड़ी को लहराना है और दिल से धन्यवाद देते हुए महसूस करना है कि उसके अंदर सब कुछ वो जो चाहता है वो फुलफिल हो चुका है, तो आपने क्या किया, एनर्जी को एक्टिव कर दिया, एनर्जी जैसे ही एक्टिव हुई फोकस वहां चला गया, एक्टिव हो गई एनर्जी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम कर दिया, इतना ही काम आपका है, आगे किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं, और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही गई है, एक्चुअली जैसे ही आप दूसरों के लिए ये करते हैं ना, ये सबसे महान कार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखता है, आपको कोई भी अपना ऐसा लगता है, मान लीजिए आपके किसी स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत है तो आप उसके लिए ऐसा करते हैं, तो ये ग्रैटिट्यूड का महानतम कार्य है, इसके ज़्यादा वर्ड और कुछ बोला ही नहीं जा सकता, आपकी दिल की फीलिंग, आपकी आँखों में उसको देखकर आंसू आ जाते हैं, आप उसके अंदर ग्रैटिट्यूड फील करने लगते हैं कि यार कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, इसको फिर भी चांस नहीं मिल पा रहे हैं, इसके पेरेंट्स पैसा नहीं लगा सकते, यहाँ आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को यूज़ कीजिए, वो आप महानतम कार्य कर रहे हैं उसके लिए, इससे ज़्यादा बढ़ के और क्या हो सकता है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो वो आप महानतम कार्य है, आप कीजिए जितना हो सकता है उतना कीजिए, और उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट ये है कि जो भी आप उसके लिए मांग रहे हैं आप उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, वॉट एवर यू आर आस्किंग टू यूनिवर्स फॉर हिम और हर यू विल अट्रैक्ट फॉर योर साइड, आपको वो अपने आप बिन चाहे मिलेगा, आप सोचेंगे भी नहीं, आपको ग्रैटिट्यूड की, क्योंकि बताया था ना कल वंदना जी ने कि उन्होंने 500 रुपये दिए थे वो 5100 होके लौट कर आए, तो जब पैसा लौट के आ सकता है तो इस यूनिवर्स में से हेल्थ, हैप्पीनेस, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, एब्सोल्यूट लाइक
क्या नहीं लौट के आ सकता, सब कुछ आ सकता है, बस आपको सिर्फ काम करके देखना है। ओके, अभ्यास पढ़ लेते हैं आज का असाइनमेंट। जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। तीसरा, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हो तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो को अपने सामने रखें। चौथा, एक बार में एक व्यक्ति ले और उसका फोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें, उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। पांचवा, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें, नाम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। सातवां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच गीत, वेरी वंडरफुल रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड नाउ वी हैव कम्प्लीटेड आवर डे 24। तो जादुई छड़ी को अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब चाहें, जितना चाहें, जितने लोगों पर चाहें। आज आपको 3 लोगों के लिए करना है तो कोशिश कीजिएगा आप 3 के लिए करें, उनके फोटोग्राफ को लेके करें। कल से आप जितना चाहें इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आपको पहले 3 पे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है इन द सेंस कि आपको विश्वास हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस ये नहीं कि आपको यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स तो जानता है कि आपके पास ताकत है, आप कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप पावरफुल हो, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन खुद के विश्वास के लिए आप इस जादुई शक्ति को पहले 3 लोगों पर यूज़ करें और फिर कल से आप जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स यूज़ योर मैजिकल पावर एज मच एज यू कैन। मैजिकल वांड को जितना चाहें उतना घुमाइए, क्योंकि जितना आप दूसरों को देंगे ना उतना रिटर्न होकर आपको मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर ग्रैटिट्यूड प्रेयर फर्स्ट। बड़ी अच्छी आवाज थी जो भी था, मुझे नहीं समझ में आया क्या बोला गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ यहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी को बेहतरीन 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 खुशी मिल चुकी है, और मैं अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल यहाँ जितने भी लोग हैं उन सब पे करना चाहती हूँ। हम सभी पार्टिसिपेंट एक दूसरे पर जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, नाउ यू ऑल कैन विजुअलाइज दैट एवरीवन इज शेयरिंग इन द ग्रुप दैट दे हैव कंप्लीटेड देयर ड्रीम्स। हर कोई हम में से एक दूसरे पर जादुई छड़ी का इस्तेमाल करते हुए कल्पना करें और महसूस करें कि सभी लोग यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं। 30 सेकेंड्स तक हम यही विजुअलाइज करेंगे। अपनी आँखों को खोलेंगे। थैंक यू थैंक यू डियर यूनिवर्स, इन सबके सपनों को पूरा करने के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सचमुच सब लोग बेहद खुश हैं, सबके सपने पूरे हो चुके हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। थैंक यू डियर यूनिवर्स कि हाँ मेरे सभी साथियों के सपने पूरे हो चुके हैं, सब लोग बहुत बहुत खुश हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं। नेहा जी, आप अपनी शेयरिंग नहीं करेंगी? ओके, आज सब लोग लगता है बिजी हैं। अरे पापा, कोई तो बोलो। जी जी मधु जी, दिस इज माय फेवरेट चैप्टर एक्चुअली। बाईपास सर्जरी हुआ था और थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है मधु जी। जी जी, थोड़ा सा जोर से बोलिए मधु जी। मेरे को कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। तो ये वाला चैप्टर जब आया था तो मेरे ब्रदर उस समय हॉस्पिटल में थे, तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ क्रिटिकल स्टेज। तो उस टाइम पर मैंने ये फोटो लेकर डिजिटाइज किया था उनकी हेल्थ के लिए, एंड पूरी रात नहीं सो पाए थे, 3-4 घंटे तक तो सो ही नहीं पा रही थी। अगेन एंड अगेन आई वाज डूइंग दैट। तो मॉर्निंग में मुझे मैसेज मिला कि उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। ट्रेल बहुत बहुत इफेक्टिव है ये। जी मैं जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी इसको बहुत दिल से करेंगे उसी समय खुलाऊंगी। वेरी नाइस मधु जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छे से आपने हमें इंस्पायर किया, और मुझे याद है वो सेशन मैंने ही लिया था नेक्स्ट डे, और आपने ये शेयरिंग किया था मेरे साथ। पहले तो आपने बोला था कि मैं ये शेयरिंग आपको नहीं बताऊंगी, और फिर आपने वो शेयरिंग बताया था, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था कि सच में इतना मिरेकल हो सकता है। ये करीबन फरवरी, यस, आपने अमी जी नहीं थे तो yes, आपने सेशन लिया, मैंने वो सेशन लिया था, तो उन्होंने रुक नहीं पा रही थी मैं अपने आप को बिल्कुल बताई भी। बहुत ही बहुत अच्छे से मुझे याद है कि वो आनी जी का सेशन था और मुझे मिला था। थैंक यू सो मच मधु जी, वंडरफुल। वो बहुत ही बहुत अमेजिंग था, क्योंकि उस दिन हम फील कर पा रहे थे, हम सब ने सुना था कि क्या ऐसा हो सकता है, वाकई ऐसा हुआ था, और सच में वो बहुत अच्छा लगा था। आई लव दिस चैप्टर वेरी मच, और मेरा शायद रोज ही ये मैजिक बॉन्ड किसी ना किसी पे जाता है तब से। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच मधु जी। आप सबको इतना दे पा रही हैं, क्योंकि देखिए देना बहुत मुश्किल होता है ना, किसी के लिए भी। अपने को आप करेंगे ना तो 5 दिन 7 दिन 8 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर किसी दूसरों को देना आप चालू कर देते हैं, एंड दैट इज़ रियली अमेजिंग थिंग कि आप दूसरों को दे पा रहे हैं दिल से, क्योंकि दूसरों को दिल से दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, और आप ये इतना अच्छा काम कर पा रही हैं। थैंक यू जी। यस जी, प्रज्ञा जी आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? हेलो, मेरी एक शेयरिंग है सर रिलेटेड मैजिक वॉन्ड से। मेरी सिस्टर है, 3 सिस्टर्स हैं मेरी, तो मेरी 2 सिस्टर्स के साथ में कुछ ऐसा चल रहा था, एक की बेटी के एडमिशन का था और एक की प्रॉपर्टी का था, वो तो शायद आपको मालूम भी है, शायद आपको गुड न्यूज मिल गई हो। तो मैंने भी लगातार मैजिक बॉन्ड कर रही थी उन दोनों के लिए, और मेरी सिस्टर जिसका प्रॉपर्टी का काम बहुत दिनों से रुका हुआ था, आई थिंक 1 ईयर से वो परेशान थी फाइनेंशियल में, ब्रेक डाउन चल रहा था, और वो काम उसका अभी लास्ट 2-3 डेज में कंप्लीट हो गया। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू आपके लिए, आचार्य जी के लिए, मैजिक बॉन्ड के लिए, मैजिक बुक के लिए, अश्विन मैम के लिए, पूरी मुंजाल फैमिली के लिए। Wonderful. मतलब उसने भी बहुत किया, हम लोगों ने भी करा उसके लिए जी, और आपने भी बहुत हेल्प करी थी, और आचार्य जी ने भी बहुत हेल्प करी थी। आपकी आवाज बंद हो गई है प्रज्ञा जी। What happened? Hello, everyone can hear me?